हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट 7 से लेकर के 12 तक के बीच में। इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो होगा एक स्टैटिक जीके, और ये सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी SSC एग्ज़ाम की या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की, तो भी ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम क्यों ना हो, वहां पर आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं कि ये इस चैनल पे आपको इस बुक के भी कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, मतलब 47-48 वीडियो बन चुके हैं, वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको वॉच करना है सामान्य विज्ञान, पहले इसको पढ़िए, फिर उसको पढ़िए, और इसके बाद में फिर इसको। MCQ क्वेश्चंस हैं इसमें सभी, 920 आपके प्रैक्टिस सेट हैं, और इसमें आज की डेट में आप लगा लीजिए कि अगर आज की डेट जो भी है 22-23 दिसंबर चल रहा है, तो इसमें कम से कम आपके 15 वीडियो बन चुके हैं, आगे भी वीडियो बनेंगे। अभी एक्चुअली थोड़ी स्पीड स्लो है, स्लो नहीं एक्चुअली फास्ट है, दिन में आपके 2 वीडियो इन तीनों बुक में से अपलोड हो रहे हैं, जबकि ये बुक तो इस ईयर के अंत में ख़त्म हो जाएगी जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं। उसके बाद में ये बुक चल चुकी है, काफ़ी पार्ट इसके बन चुके हैं, उसके बाद में ये आप देख लीजिएगा इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जा करके। और काफ़ी सारे लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं इन तीनों ही बुक को, काफ़ी सारे बच्चों ने लाइक करा, जैसे कि कौशल सिंह कहते हैं कि क्या बात है सर, नाइस। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपने कौन कौन सी बुक के वीडियो अपलोड करे हैं, शायद उनको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने उनको बताया अभी कि इन तीनों ही बुक के वीडियो बन चुके हैं। और कुछ बच्चे अपना स्कोर भेजते हैं हमको कि सर हमारा स्कोर ये रहा, जो मैं MCQ क्वेश्चन आपको देता हूँ वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता भी हूँ कि आप सभी के सभी मुझे अपना स्कोर कमेंट करें। जी हाँ, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। सेट नंबर 7 में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि मधुशाला के रचयिता कौन है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन। और अगला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, और मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक व्रत की एक परिघटना है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 760 मील पर घंटा होती है। और उसके बाद में सेट नंबर 8, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, इसमें होता है आपका अस्थियों का अध्ययन। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका मुख बरात मिस्र की एक गुप्तचर संस्था है। सेट नंबर 9 की प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ हुआ था। अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 के मध्य। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। पुलकेसिन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। और सेट नंबर 10, RDX क्या है, RDX है एक विस्फोटक। अगला पॉइंट हमारे सामने कि हरि प्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। और भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत में प्रथम मिसाइल बोट IN विक्रांत है। और सेट नंबर 11 में हम बात करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे आपके GK गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पॉइंट आपके सामने इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर MS सुबालक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। और कंप्यूटर के शब्दावली में RAM का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। बग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम का अलगाव से था। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। सेट नंबर 12 में बात करते हैं संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि ऑर्गन जो गैस होती है ये किस प्रकार की गैस है, तो ये है आपका निष्क्रिय गैस। और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ था।
शिवाजी के संरक्षक दादाजी कौन देव हैं और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह है आपका कमल। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन के नियम के बारे में कौन-कौन से नियम होते हैं, क्या नियम क्या था, तो इसी बुक के किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा इसके बारे में। अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट आपका, एंटीमनी का गण्य उत्पादक राज्य क्या है? तो यह आपका उड़ीसा। और संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। तो देखिए बस आपको अभी इतना ही पढ़ना है, वीडियो की लेंथ बहुत छोटी है, आई नो वेरी वेल, मुझे अच्छे से पता है। वीडियो की लेंथ मैंने छोटी इसलिए करी है क्योंकि पिछले जो भी वीडियो बने हैं आपके, 46 वीडियो जो भी बने हैं, वो सभी वीडियो थे आपके 33 मिनट के, उन सब पर व्यू बहुत कम थे क्योंकि 30 मिनट के वीडियो देखते हुए शायद आप बोर हो जाते हैं। तो चिंता मत करिए, ये सभी बुक खत्म हो जाएगी। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊँ और वो लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके उसको कल देखें, जब कल का मतलब जब भी एग्जाम होगा तब देखेंगे। अगर ढेर लगाने पर अगर आप बिलीव करते हैं तो आप इस वीडियो को भी ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, ढेर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक के भी ढेर आपके पास में होने चाहिए, वीडियो के भी ढेर आपके पास में होने चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में मैं शायद आपको इशारा नहीं करूंगा, ना ही मैं कुछ गलत बोलूंगा आपके लिए। लगता है कि बुक के ढेर लगाने से, वीडियो के ढेर लगाने से कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसा सोचने से अगर सिलेक्शन होता है आपका, तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी वक्त करेगा आपका ऑल द बेस्ट, जैसे भी करना होगा, क्योंकि मैंने देखा यार बच्चे एक्चुअली ऑफलाइन बहुत सेव करते हैं। पता नहीं कौन सी, मतलब कि कौन सा वायरस इन सब स्टूडेंट के अंदर अब आ चुका है कि मार्केट में जो भी बुक परचेज होगी सबसे पहले उनके हाथ में वो बुक होनी चाहिए। बुक के ढेर अपने पास लगा लेते हैं लेकिन पढ़ते एक भी बुक नहीं है। उसी तरह से वीडियो के ढेर अपनी प्लेलिस्ट में इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारे ऑफलाइन करके, लेकिन देखते एक भी वीडियो नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, लाइव देखिए, नोट्स बनाइए, दोबारा वीडियो को वॉच मत करिए, अपने नोट्स से रिविजन करिए। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मैक्सिमम फेसबुक एंड व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक।